कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और एआईसीसी के सदस्यगण, भाइयों और बहनों, पिछले तीन दिनों में हमने जो बैठकें की हैं वो निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी सरकार को केंद्र में सत्ता में आए लगभग 9 साल पूरे हो रहे हैं। ये विशेष बैठकें इसलिए बुलाई गई हैं ताकि अगले आम चुनाव से पहले बचे समय के लिए हम अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन शिविर और एआईसीसी अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, जो जयपुर डिक्लेरेशन हम अपनाने जा रहे हैं वो निश्चय ही हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमें अब ये भी तय करने की ज़रूरत है कि साल 2014 के आम चुनाव की तरफ बढ़ते हुए हम भारत की जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने संदेश को दो हिस्सों में बांटना होगा। हमें अपने काम के रिकॉर्ड की सही जानकारी जनता को देनी होगी और इसमें जो कमियां रही हैं उन्हें भी ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। साथ ही हमें लोगों को ये भी बताना होगा कि देश के भविष्य के लिए हमारा क्या सपना है और उसे हम कैसे साकार करना चाहते हैं। भविष्य की अपनी कार्य योजना के जरिए हम अपने करोड़ों नौजवानों को खास तौर पर विश्वास दिलाना होगा कि हम उनकी आशाओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। भाइयों और बहनों, अगर हम अपने 8 साल के कामकाज पर नज़र डालें तो इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने अपने 2004 और 2009 के चुनावी घोषणा पत्रों में किए गए मुख्य वादों को एक बड़ी हद तक पूरा किया है। हमारा बुनियादी मकसद देश की तरक्की को हर मानों में इंक्लूसिव बनाना रहा है। अपने विकास के सफर में हम देश के सब क्षेत्रों, समाज के सब तबकों और आम आदमी को साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों और तबकों का हमने पिछली सरकारों से ज़्यादा ख्याल रखा है। हमने ऐसा करने के लिए आवश्यक कानून बनाए हैं, आवश्यक कार्यक्रम लागू किए हैं और ज़रूरी राशि की भी व्यवस्था की है। हम तेज आर्थिक विकास हासिल करने में सफल रहे। इसकी वजह से हम कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में पहले से कहीं ज़्यादा संसाधन ला पाए। हमने कृषि पर ज़्यादा जोर देकर मनरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को रोज़गार उपलब्ध करा के और स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान देकर इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में हमारे प्रयासों का पूरा असर आने वाले वर्षों में ज़रूर दिखाई देगा।
देश से पोलियो का खत्म होना हाल ही के वर्षों में हमारी एक विशेष उपलब्धि रही है। हमने सरकारी निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर सड़कों के विकास की एक नई गति दी है। इससे भविष्य में ज़्यादा तेज आर्थिक प्रगति और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होने की बुनियाद बनी है। हमने अंतर्राष्ट्रीय माहौल को भी भारत के लिए अनुकूल बनाया है। ये हमारे आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। एनडीए कार्यकाल के 6 सालों में हमारे देश का विकास केवल 5.8% सालाना की दर से हुआ था। इसकी तुलना में यूपीए ने 2004 से 8 वर्षों में जीडीपी में 8.2% सालाना की बढ़ोतरी की है। यही नहीं, हमने ये उपलब्धि उस दौरान हासिल की जब दुनिया भर में 2 बार आर्थिक संकट पैदा हुआ। हाल के समय में हमारी विकास दर यकीनन कुछ कम हुई है, लेकिन अब भी ये कमी इतनी नहीं है जितनी दुनिया के दूसरे देशों में। हम अपने विकास की गति को फिर से तेज करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम यूपीए और एनडीए सरकारों के काम की तुलना करें तो हमारे समय में गरीबी घटने की रफ्तार 2.5 गुना तेज हो गई है। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। गरीबी को कम करने और ग्रामीण इलाकों में समृद्धि बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास का खास महत्व है। इस क्षेत्र की मजबूती हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में देश की कृषि विकास दर 3% सालाना बढ़ी थी। हमने पिछले 8 सालों में इसे बढ़ाकर 3.7% सालाना किया है। ग्रामीण भूमिहीन मजदूर हमारे देश के सबसे गरीब नागरिक हैं। इस तबके की वास्तविक मंजूरी एनडीए वास्तविक मजदूरी एनडीए सरकार के दौरान में प्रति वर्ष 1% की दर से बढ़ी। कार्यकाल के दौरान ये मजदूरी यानी के 6 गुना ज्यादा बढ़ी। देश के आर्थिक विकास के फायदे अंदाजा गवर्नमेंट प्रति व्यक्ति उपभोग व्यापार कैपिटल रूरल कंजम्पशन की रफ्तार में होने वाले इजाफे से सही तौर जा सकता है। 1993-94 एवं 2004-05 के बीच ये वृद्धि केवल 0.8% प्रति वर्ष। पिछले 8 साल में ये उपभोग 6 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा। ये हमारे इंक्लूसिव विकास के दावे को साबित करता है। यहाँ भाई और बहनों, ये सवाल उठता है कि हमारी सफलताओं को आमतौर पर क्यों नहीं पहचाना जा रहा है। इसकी एक वजह है कि हमने खुद ही इस बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया है। हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज शायद बहुत प्रभावी नहीं रही है। हमें जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि हमने देश से गरीबी, अशिक्षा और बीमारी को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें हमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है।
हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि समाज के कमजोर तबकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए क्या क्या काम किए हैं। हमें जनता को ये जानकारी देनी होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हमने क्या खास कदम उठाए हैं। ये सच है कि हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है और हमें इसको कम करने की और ज़्यादा कोशिश करनी होगी, लेकिन हमें लोगों को ये भी बताना चाहिए कि पहले की बनिस्बत अब गरीबी कम हुई है और उसमें पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से कमी आई है। अक्सर जनता को ये पता नहीं चल पाता कि जिन योजनाओं से उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है वो हमारी केंद्र सरकार की है। बहुत बार ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है वहां मौका का फ़ायदा उठाते हुए राज्य सरकारें इन योजनाओं को अपने नाम पर चलाने लगी हैं। जनता को असली हालात से वाकिफ कराने भी हमारा फर्ज बनता है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि न सिर्फ इन योजनाओं के लिए पैसा केंद्र सरकार दे रही है बल्कि इन स्कीमों के पीछे सोच भी हमारी ही है। हमें ये भी समझना चाहिए कि लोगों की आशाएं पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं। आज लोग विकास के लाभ को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। हमारे नौजवान आज पहले से कहीं ज्यादा सजग, जानकार और महत्वाकांक्षी हैं, खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में वो आधुनिक तौर तरीके और टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी उम्मीदों को समझें और उनको पूरा उतरने की कोशिश करें, और ये कोशिशें हमें बिना कोई वक्त गंवाए करनी होंगी। हमारे रिकॉर्ड में एक कमी महंगाई रही है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई की औसत दर जितना हम चाहते थे इससे ज्यादा रही है। इसका एक मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि, जो पिछले 8 सालों में बहुत ज्यादा हुई है। एक दूसरी खास वजह यह है कि हमारी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए फसलों के खरीद मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। हमें महंगाई दूर करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, खासकर साल 2013-14 में। हमने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन हमें ईमानदारी से ये बात भी माननी चाहिए कि कानून बनाना एक बात है, उन्हें ठीक तरह लागू करना दूसरी। अक्सर नए कानून बनने का पहला नतीजा ये होता है कि अधिकारों का उल्लंघन जो पहले नज़रअंदाज कर दिया जाता था वो अब जनता की निगाह में आ जाता है। मेरा मानना है कि ये प्रगति की ही एक निशानी है। इससे केंद्र
और राज्य सरकारों दोनों पर जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का दबाव बनता है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक युवती के साथ खौफनाक घटना के बाद हमारे देश और हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पर काफ़ी चर्चा हुई है। ये सच है कि महिलाओं और पुरुषों को आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अभी हमें एक लंबा सफ़र तय करना है। ये नहीं भूलना चाहिए कि महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं और उनकी भागीदारी हमारे विकास और समृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ दिन पहले हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मैंने कहा था कि समाज में महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए उन स्थानों पर उनकी पूरी पूरी हिफाजत सुनिश्चित की जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस काम के लिए कानून में जो भी बदलाव ज़रूरी हैं वो करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ये करना काफ़ी नहीं होगा। हमें अपने सामाजिक मूल्यों में भी बदलाव लाना होगा ताकि आम तौर पर समाज में महिलाओं के प्रति इज्जत और आदर बढ़ सके। अब मैं विदेश से संबंधित मामलों की बातचीत करना चाहूँगा। भारत की विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व और अपने क्षेत्र में हम शांति और स्थिरता का एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हमारा देश अपने विकास के लिए आसानी से काम कर सके और आगे बढ़ सके। इसकी एक मिसाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हमारा सिविलियन परमाणु समझौता है। इस समझौते के ज़रिए हमने अपनी विदेश नीति के एक बड़े उद्देश्य को हासिल किया। ये उद्देश्य था भारत को परमाणु नीति तकनीक के मामले में भेदभाव पर आधारित व्यवस्था से मुक्त करना। आज कई परमाणु ताकतें जो भारत से पहले परमाणु तकनीक के मामले में किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती थीं, अब भारत के साथ परमाणु व्यापार कर सकती हैं और कर भी रही हैं। इस बदलाव का प्रभाव हमें कुछ सालों के बाद ही दिखाई देगा, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां कन्वेंशनल एनर्जी ख़ास तौर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में पाबंदियों से मुक्त होना भारत की विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि है। कई पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और आसियान के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट करना भी हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अक्सर ये कहा जाता है कि ये शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी, जिसके अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था में एशिया फिर मजबूत होकर उभरेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस बदलाव में एक अहम भूमिका अदा करेगा। पाकिस्तान ने 8 जनवरी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो गैर इंसानी हरकत की उसके बारे में आप सब जानते हैं। हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना का हम दोनों के बीच के रिश्तों पर ख़राब असर पड़ सकता है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो समझ बूझकर और सावधानी के साथ करेंगे।
हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं लेकिन इसके लिए उनको भी कोशिश करनी होगी। बिना उनकी तरफ से प्रयास हुए सिर्फ हमारे चाहने या कोशिश करने से तो ये काम मुमकिन नहीं है। भाइयों और बहनों, आज हमारा जीडीपी चीन तथा अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। हमने पिछले दो दशकों में जो प्रगति की है उसकी बुनियाद पर भारत 2030 तक दुनिया के मिडिल इनकम देशों में शामिल हो सकता है। यदि हमें इस काम में सफलता मिलती है तो साधारण भारतीयों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आज जिस तरह की गरीबी को हम जानते हैं वो पुरानी बात होकर रह जाएगी। हमारे नौजवानों के लिए तमाम सारे नए अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए अपने नौजवानों की क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा ताकि ये परिवर्तन तेज़ी से लाया जा सके, इससे भी वो फ़ायदा भी उठा सके। ये काम 12वीं योजना में हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में मजबूत और इंक्लूसिव विकास के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत हमारी विकास दर जो वर्तमान वर्ष में 6% से भी कम है 2016-17 तक बढ़कर 9% पर ले जाई जा सकती है। हमने अपने विकास को सस्टेनेबल बनाने पर भी इस योजना में खास जोर दिया है। हम अपने विकास प्रक्रिया में अपने पर्यावरण की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। हमने 12वीं योजना में शहरीकरण से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया है। हमारी आबादी का शहरों में रहने वाला हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि शहरों का विकास प्लान्ड तरीके से हो। इस तथ्य को हासिल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में हम सुधार कर रहे हैं। हमारे ये लक्ष्य ऐसे नहीं हैं जो साधारण कोशिशों से प्राप्त हो जाएं। ऐसा तभी संभव होगा जब कुछ कठिन निर्णय लिए जाएं। इनमें से कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी फाइनेंसेस जैसे क्षेत्रों से संबंधित बहुत से निर्णय राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इस योजना में ये बात भी कही गई है कि अगर हम सही निर्णय नहीं लेंगे तो हमें खराब नतीजों का सामना भी करना पड़ सकता है। हम कोई भी योजना या कार्यक्रम बनाएं, उसका पूरा फायदा देश की जनता को तभी ही मिलेगा जब उसको ठीक तरीके से लागू किया जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों प्रशासनों दोनों का चुस्त दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। हम भ्रष्टाचार को लेकर आम जनता में जो परेशानी और गुस्सा है उसे समझते हैं। हमने सरकारी काम में गड़बड़ी कम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बहुत सी पहलें की हैं। इनमें कानूनी बदलाव, सरकारी सेवकों की डिस्क्रिशनरी पावर्स कम करने के प्रयास और शासन के कामों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है। हमारी सरकार एक मजबूत लोकपाल की स्थापना के लिए भी प्रतिबद्ध है और मुझे उम्मीद है कि इस काम में जल्दी ही
सफलता मिल पाएगी। आज सूचना के अधिकार के प्रयोग से सरकार के काम की बहुत सी ऐसी कमियां जनता की निगाह में आई हैं जो बिना इस कानून के छुपी रहती थी। हम इस बात का स्वागत करते हैं। जब भी कोई गड़बड़ी हमारे सामने आई है, हमने दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है जिस पर हमें गर्व है, लेकिन आज हम नई और पेचीदगी भरी दुनिया की चुनौतियों से नए तरीके अपनाकर निपटने के लिए भी तैयार हैं। गरीबी, असमानता और अशिक्षा जैसी समस्याओं के बावजूद आज भारत विकास की दौड़ में लोकतांत्रिक मूल्यों के बल पर दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। इस उपलब्धि में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस विशाल देश को, जहां तमाम धर्म, भाषाएं और रीति रिवाज हैं, सही दिशा दे सकती है। हमारी सोच कुछ अन्य दलों की तरह तंग नहीं है, बल्कि हम पूरे समाज और देश के हर हिस्से को साथ लेकर चलने के हक में हैं। धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद और कमज़ोर तबकों के प्रति हमदर्दी हमारे बुनियादी आदर्श रहे हैं और रहेंगे। आखिर में मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी है जो समझती है कि देश में क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी ऐसा करने के लिए तैयार है और ऐसा करने में हम पूरी तरह सक्षम भी हैं। कोई अन्य पार्टी इस प्रकार का दावा नहीं कर सकती है। यही वो संदेश है जो हमें प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना है। इन कंक्लूशन, आई वुड लाइक टू समराइज व्हाट आई हैव बीन सेइंग। एज आई सी इट, द जयपुर मीटिंग स्प्रेड ओवर 3 days हैव रीअफर्म्ड द कमिटमेंट्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू इट्स कोर वैल्यूज, विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन 1. Economic reforms designed to accelerate the country's economic growth. 2. Inclusive development with special emphasis on human development and poverty eradication, with special focus on education, healthcare, and sustainable rural development. 3. Concerted action to empower women, laying special emphasis on their safety and security and eliminating gender-based disparities. 4. Effective action to meet the challenge of growing urbanization. 5. Pursuit of an employment-oriented development strategy, laying emphasis on a massive program of skill development. 6. Improving the quality of governance, curbing corruption, and promoting decentralization based on empowerment of Panchayati Raj institution. 7. Pursuit of a foreign policy based on promotion of enlightened national interest and which will provide a peaceful, favorable external environment to promote our development. It is my belief, bhai aur behno, that if the Congress goes forward with this agenda, there is no reason why it should not recapture once again the hearts and minds of the people of India as a party best qualified for governance of this vast country. The Congress has that leadership under the guidance of Sonia ji and Rahul Gandhi ji, and we will overcome, we shall deliver.